One, two, three, let's go! Guys, यार, welcome back again, सभी लोग का शुभेच्छ में। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर आज तुम्हारे भाई ने सोचा हुआ है कि वो कुछ खतरनाक और क्रेजी बनाने वाला है और थोड़ा सीक्रेट भी होने वाला है। तो वो मैं आगे जाके तुम लोगों को बताता हूँ। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर दो, 100K लाइक का गोल लगा रहा तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस कर देना। देखो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, पर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से करो यार, 3.5 मिलियन होने वाले, जल्दी से कराओ। बाकी चलते फटाफट वीडियो की तरफ और बनाते अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस। गाइस यार, वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का हमारा फ्लीट किंगडम किंगडम के अंदर सभी लोगों का वेलकम हो चुका है मेरे दोस्तों। हम लोगों ने लाइक बहुत सारी चीजें बनाई है, बट अभी तक ना मैंने एक चीज ध्यान दी कि हम लोग अभी भी लाइक जब सोना होता है या रहना होता है कहीं पे तो हम यहाँ पर आते, राइट। और ये हम लोगों का लिटरली पहला घर भी था, जो कि बहुत अच्छी चीज है, मतलब बढ़िया बात है यार। हमारा जो फर्स्ट हाउस था वही अभी तक चल रहा है, बट यार मजा सा नहीं आ रहा यार। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लाइक लिटरली मैंने बनाने को, रुको जरा मेरे पास नहीं है ना, अभी मैंने सारे रॉकेट खत्म कर दिए यार अपने। मैं पिछले जब ये बना रहा था मैं, तब भी मेरे पास रॉकेट्स नहीं थे। हम लोगों ने बनाने को अपने लिए एक पूरा का पूरा कासल भी बना रखे, लाइक वहाँ पर एक पूरा कासल है। जैसे आएगा वो रेंडर डिस्टेंस के अंदर तो दिख भी जाएगा, वहाँ पर एक पूरा का पूरा कासल है। बट एक सीन क्या है कि वो कासल यार दूर हो रहा है, मेरे को ना आदत बन गई है यहाँ पर रहने की। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने लिए एक अंडरग्राउंड बेस बनाया जाए, जो पहली बात तो छुपा हुआ हो, मतलब उसको कोई देख ही ना सके, और उसके साथ साथ उसके अंदर सारी फैसिलिटी हो, कोई एक चीज़ में भी ऐसा ना हो कि नहीं है। और अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ, अगर लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड जिसने नहीं देखा है देखना जरूर, बट जिसने देखा हुआ है उसको पता होगा हम लोगों ने पूरा का पूरा वीट फार्म बनाया था। इसमें जो बचे कुछ हॉपर्स थे वो मैंने लगा दिए, बट तुम लोगों को इसका काम दिखाता हूँ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा मत सोचना कि हल्के फुल्के में, ठीक है ना। ये देख रहे हो भाई, इसने ऑलरेडी, मैं ज़्यादा एफके भी नहीं रहा हूँ, और इसने ऑलरेडी देख रहा हूँ हम लोगों को कितना ज़्यादा लाइक फूड वूड दे दिया। एक स्टैक यहाँ से हम लोग आराम से निकाल लेंगे, और ये विद टाइम आते जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हेलो अबे विद टाइम आते जा रहा है। ये फार्मरों को लग रहा है एक डंडा बजाना ही पड़ेगा बिल्कुल। ये क्या करके रही है ऊपर, क्योंकि विद टाइम तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ है भाई। हेलो हैं, नो वर्क। अबे ठीक है, मतलब वो काम कर रहे हैं बेसिकली। इतना सारा जब नीचे आ चुका है तो और भी आएगा ही आएगा, मे भी हो सकता है रात हो रही है इसलिए काम नहीं कर रहे हो। बट देख रहे हो वो वीट के ऊपर खड़ा है बट काम नहीं कर रहा है। बट और यार मैंने वहाँ पर एक गलत हॉपर लगा रखा है, देख रहे हो तुम लोग, नहीं एक्चुअली सही हॉपर है, माय बैड। वो वाला हॉपर है जो नीचे चले के जा रहे हैं सारा सारा सामान, मेरे को लगा कि नहीं। तो चलो आज रात के लिए भाई हम लोग जा रहे हैं इस वाले घर में सोने के लिए वापस, लेकिन जो कल की सुबह होगी ना वो हम लोग अपने अंडरग्राउंड बेस के अंदर देखेंगे। तुम लोग देखो बस, ठीक है। चलो फटाफट से सोते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ पर सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सोचा लाइक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही सोचा हुआ था कि मैं एक अंडरग्राउंड बेस तो अपने लिए बना रहा हूँ, बट उसको बनाऊंगा कहाँ। लाइक हमारे पास देखो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे मॉब्स रखे हुए, बट वो जो अंडरग्राउंड बेस होगा वो हम लोग कहाँ बनाएंगे, क्योंकि मेरे को भाई उसको बेस्ट से बेस्ट बनाना है, तुम समझ रहे हो, एकदम मस्त होगा, नेक्स्ट लेवल होगा। तो वो कहाँ पर बनाए, अब मैंने सोचा यार ये देखो, जिसको पता होगा उसको पता होगा, जब हम लोग ने सबसे पहले ये बेस बनाया था तो हमारा जो सबसे पहला एरिया था जहाँ पर हम लोग डायमंड ढूंढने गए थे और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो ये था, ठीक है। अभी के लिए रेड स्टोन टॉर्च यूज़ करना पड़ेगा लाइट के लिए, आगे जाके भी लाइट भी लेके आता हूँ, और को टेंशन मत ले यार। वैसे भी अपने पास ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ की कमी है लाइक इस वर्ल्ड में। तो देखो ये वाला एरिया, ये तुम लोगों को पता ही होगा, ये हम लोगों को सीधे वो वाले फार्म में लेके जाता है, हमारा कौन सा वाला फार्म है, वो स्पाइडर एक्सपी फार्म वाला। और प्लस यहाँ पे लावा भी है, तो हमें जितना भी ऑब्सीडियन या लावा चाहिए होता है हम लोग यहीं पर आते हैं, राइट। तो मैंने क्या सोचा हुआ है, क्यों ना यार ये एरिया जो ये खाली पड़ा हुआ है ना एकदम से, ये देख रहो ये एरिया का कुछ काम ही नहीं है, और प्लस ये बिल्कुल हमारे अभी वाले बेस के जस्ट नीचे है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहीं पर लाइक पूरा खतरनाक बनाया जाए, लाइक ऊपर जाने का नीचे आने का सब कुछ एकदम कूल सा बनाया जाए, प्लस इस एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पर एक प्रॉपर अंडरग्राउंड जगह बनाई जाए, लाइक पूरी प्रॉपर अंडरग्राउंड होगी, यहाँ पर अपने पास सब कुछ होगा, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, खाने से लेके कपड़े पहनने तक का सब कुछ यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, ऐसे करके मैं सोच रहा हूँ। तो चलो आज का हमारा यही काम है कि हम लोगों को वो जो बिल्ड में सोच रहा ना वो हम लोगों को एक्चुअल रियलिटी करना है, ठीक है। हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ ये भी जाएगी कि एक हब की तरह भी काम करेगा, मतलब मेरे को कहीं भी जाना है तो मैं जा सकता हूँ, ये पता नहीं कहाँ ले जाएगा, अभी नहीं जा रहा हूँ मैं इधर को। और प्लस मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ से अपना जो वो है ना पूरा का पूरा जू टाइप का हमने बनाया हुआ है, वो जू भी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो चलो इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा
फूड तो है ना मेरे पास, हाँ फूड वूड की कमी नहीं है अपने पास थोड़ा सा, लेकिन वुड वुड लेके आता हूँ क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल वो सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। और देखते हैं हम लोग इसको कितना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे नीचे, लाइक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हद ही बड़ा हो गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छोटा छोटा सा बना दिया। तो चलो मेरे को 2 सेकंड दो, पहले फटाफट से जाता हूँ थोड़ा सामान लेके आता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ का काम। तो गाइज यार मैंने रॉकेट तो बना लिया, बट अब हम लोगों को लेके आना है जल्दी से ढेर सारा वुड। आई होप इसके अंदर वुड पड़ा हुआ हो यार, मेरे को लाइक बनाने की जरूरत ना पड़े। नहीं पड़ा हुआ है तो हम लोगों को वुड निकाल के लेके आना पड़ेगा। तो गाइज यार मैं रॉकेट्स तो बना के ले आया, बस हम लोगों को थोड़ा सा वुड चाहिए होगा। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, इसको निकालो यहाँ पर, हम लोगों को बस सिंपली यहाँ पे लगाना है ये जो बचा हुआ था अपना। रुको इसको ऑफ करना था, ऑन करना था हाँ सही है, ठीक है। तो जो ये हम लोगों का बच गया था ना, ये हम लोग आज कर देते हैं। मतलब मेरे इसमें थोड़ा सा बोन मील नहीं डाला हुआ था, वो बोन मील मैंने अभी डाल दिया है। और ये क्या खतरनाक काम करता है यार, वो मजाक नहीं कर रहा यार, ये सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, कितना ज़्यादा फास्ट काम करता है। तुम सोचो ना कोई भाई नॉर्मल बंदा इतना तेज बना सकता है, काट सकता है भाई। नीचे स्टैक के स्टैक जमा हो जाते हैं इतनी देर में, पता है तुम लोगों को। और अपने को स्टैक के स्टैक भी नहीं चाहिए, वैसे तो आज कम ही काम है, मेरे को अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, पता है तुम लोगों को। इसके बीच में जितना ये छोटे छोटे काम कर रहा है ना, मेरे को अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही रही। आई थिंक गाइस इतने में काम हो जाएगा। सबसे पहले इसको बंद करो, हम लोगों का वेस्ट नहीं होना चाहिए सामान कुछ भी। और फिर इसको भी बंद करो, बहुत हो गया TNT, रुक जाओ भाई। ओके नाइस, TNT भी रुक गए। लेट्स सी हम लोगों को कितना वुड मिलेगा, थोड़ा बहुत तो। अबे थोड़ा बहुत, एक स्टैक वुड आ गया है यहाँ पे। ये सारा का सारा सामान छोड़ देते हैं यहाँ पे। हम लोगों को आज ना, आज जो बिल्ड है उसमें मैंने सोचा हुआ है कि हम लोग इसको एकदम मस्त करके बनाने वाले हैं, तो लेट्स गो। ठीक है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं नीचे। ये मेरे को तोड़ना है भाई, याद दिलाना मेरे को, ये पूरा का पूरा तोड़ूंगा मैं इसको। हम लोग वाटर वाली लिफ्ट बनाएंगे प्रॉपर, और मैं शायद से नहीं लाया हूँ ना मैं लैंटर्न बढ़िया। चलो हम लोग लाइट का भी, नीचे अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा नहीं कि मेरे को डर लगता है अंधेरे से, दिखता नहीं है ना फिर वीडियो में, अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। चलो इसको सबसे पहले तोड़ते हैं, ये हो गया। अब मैंने सोचा भाई कि इस एरिया को पूरा हम लोग 19x19 का एरिया बनाएंगे, ताकि हमारे पास काफ़ी जगह हो चलने फिरने घूमने के लिए। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको सेंटर लेके मानते हैं, ठीक है। मान लो ये अंदर एंट्री वाली जगह होगी और ये सेंटर होगा हमारा, तो हम लोग को इससे 19 रखना है। तो सेंटर क्या होगा, नॉर्थ साइड राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 इस साइड को, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 6 इस साइड को, ये हमारा 9 हो गया। अब हम लोगों को इसको पूरा का पूरा ऐसे करके फैला देना है, ठीक है। आई जस्ट होप कि हम लोग 19 में ना वो खाली जगह पे ना जाएं यार, एक बहुत ही गंदी सी जगह है जहाँ पर हम लोग को बहुत फिर फिलिंग करनी पड़ेगी, प्लीज़ वो वाली जगह ना आए, वरना हम लोग इधर को भी जा सकते हैं शायद से, या फिर नहीं जा सकते, मेरे को याद नहीं है प्रॉपरली, रुको। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2, यहाँ से हम लोग सीधा सीधा 19 काटेंगे पूरा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मैंने बोला था ना ये वो गंदी जगह आके जो मैंने बोली थी भाई, ये खाली खाली जगह है ना, ये हम लोग को पूरी फिल करनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हम लोग का एक 19 बाई इसका हो गया है, लेकिन हम लोगों को इसको अब एक ऊपर, ठीक है, और पूरे के पूरे 5 नीचे खोदना है। बट पहले एक ऊपर करके मेरे को 2 सेकंड दो, हम लोग सबसे पहले अपना ना बीकन लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी खोद सके इस। ये तो भगवान कसम, ये मेरे को याद दिलाना गाइस, ये तोड़ना है, ठीक है, इसको पूरा का पूरा तहस नहस कर देना है। मैंने ये लैडर तोड़ूंगा मैं सबसे पहले, मानो ना मानो ये लैडर जाएगी सबसे पहले, देखो तुम लोग। तो गाइस आई थिंक हम लोग अपना बीकन ना कहीं पे लगा हुआ छोड़ के आ गए, रुको मैं उड़ के नहीं पा रहा हूँ यार। हम लोग अपना बीकन, डोंट टेल मी यार, ये अभी हमारे वहाँ पर है, एंशिएंट सिटी के अंदर है। मैंने एक तो वहाँ पर अभी तक का विलेजर भी नहीं डाले विलेजर हॉल में, पता तुम लोग, इतना काम पेंडिंग है ना भाई सर्वाइवल वर्ल्ड में। लाइक मेरे को अपने सारे मॉब्स लेके आने हैं, उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या क्या करना है, बहुत ही काम पेंडिंग है भाई। एक दिन अच्छे से बैठ के स्ट्रीम करनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है, गेमर प्लेट पे ऐसे लंबी स्ट्रीम होगी ना, वो सारा जितना काम ये रुका हुआ है ना, ये सारा का सारा काम कर देगा तुम्हारा भाई, तुम देखो बस। जाना कहाँ है गोरा, अरे भाई भाई, अरे ऐसी गाइस यार हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। अब हम लोगों को ये पूरा का पूरा बीकन काटना है। देखो एक काम करते हैं, इसी बीकन में हेस्ट देके इसी बीकन को नीचे से काटना शुरू करते हैं। अपने पास है नहीं है ना, सैडली यार, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी के लिए तो नॉर्मली दे देना। ये देखा ना ब्रो, इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए होगा रे। एक सेकेंड देना गाइस, लगता है कुछ तो लेके आना पड़ेगा कहीं से, तो वरना ये देगा नहीं हमको ना ये।
आयरन 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 मीन्स आयरन की तो खदान लगी है। बस ठीक है, 2 सेकंड लगेंगे। देना दोस्तों, मैं जरा आयरन लेके आता हूँ, फिर इसको बीकन को चालू करके इसी बीकन को तोड़ता हूँ। 2 सेकंड दो बस। गाइस यार, हम लोग बीकन लेके पहुंच चुके हैं, और अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सुनो, मैं यहाँ पर से ना एक पानी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और हम लोग अपने लिए एक और वाटर ले लेते हैं। अपने पास तो वाटर की कमी थोड़ी ना भाई, वाटर का तो इन्फिनिट सोर्स है हमारे घर के बगल में ही। शुरू में क्या ही बेवकूफ़ी करी थी मैंने, ओशन के बगल में अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया था मैंने, मेरे को आज भी याद है। दिमाग तो यार भाई का है। ठीक है चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसको तोड़ते हुए नीचे को ले आते हैं, ठीक है, पानी को पूरा का पूरा। आते जाइए पानी जी, आते जाइए पानी जी, आते जाइए। अब हम लोग यहाँ से ऊपर नीचे बड़ी इजीली कर सकते हैं, लाइक अपने पास रेस्पिरेशन 3 है ही, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं, और बाद में तो इसको हम लोग प्रॉपर लिफ्ट बनाएंगे, तुम लोग देखो, ठीक है। तो ये हो गया, अभी के लिए जितना हम लोगों ने खोदा था ना, हाँ ठीक है बढ़िया, हम लोगों ने जितना खोदा हुआ था ना, अब हम लोगों को यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग जो बीकन है, मेरे ख्याल से हम लोग वो बीकन को ऊपर भी रख सकते, क्योंकि इतना ये काफ़ी नीचे है यार, मेरे को अब लग रहा है, अभी तक का मेरे को इतना नीचे नहीं लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, एक बारी अगर नीचे तक नहीं जाएगा तो फिर मेरे को बीकन दोबारा से बनाना पड़ेगा नीचे, बट ठीक है, अभी के लिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, आई होप नीचे तक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओए ओए पागल सुअर, हाँ तेरे से ही बोल रहा हूँ, यही आ रहा है क्या? मजाक कर रहा हूँ, रह ले भाई, क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे, डर के रहिए, ओए मारता बहुत तुम्हें, समझ गया ना, वही वो नीचे देख रहा है ना, वहीं ले जाके बंद, अब यहीं आ रहे के घूम के, हेलो रह ले भाई, तू भी क्या याद करेगा किस अमीर के घर में आया था। तो गाइज हम लोग को फाइनली हेस्ट मिल चुकी है, फटाफट से हेस्ट करके नीचे को जाते हैं। देख कितना कूल हूँ मैं, हमको हेस्ट मिल गई है, फटाफट से हेस्ट। चलो गाइज फटाफट से, अब हम लोगों को क्या करना है, बस हम लोगों को वो नीचे तक आ रही है हेस्ट, नाइस वन गाइज, चलो बढ़िया, अपने को मिल गई है यहाँ पे हेस्ट। अब शुरू करते हैं फटाफट से इसको तोड़ना, हम लोगों को एक ऊपर और बाकी पूरा का पूरा, लाइक इसको 19 बाय 19 पूरा का पूरा साफ करना है गाइज यहाँ से, ठीक है ना। तो चलो काम धंधा शुरू करते हैं। गाइज हम लोगों ने इस एरिया को पूरा का पूरा जो था 19x19 का, वो पूरा का पूरा खोद दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, अभी के लिए जितना हमने करना था उतना खोद दिया है, बट तो बस अब हम लोगों को दो ऊपर को और इसी को 1 2 3 4 5 जाए यार 5, हम लोगों को इतना नीचे लेके जाना है और दो ऊपर को लेके जाना है इस सेम एरिया को, और मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दे रहे हो, जैसे मेरे ऊपर से बबल नहीं आ रहे और ई दबा के मेरे पास कुछ भी इफेक्ट नहीं है, नहीं आता इतना नीचे भाई बीकन। अब ये पूरा बीकन भी तोड़ के नीचे लेके जाऊंगा, तो मेरे को 2 मिनट दो, उसको पूरा नीचे का खोदूंगा भी, और उसके बाद ये बीकन भी लेके जाऊंगा। आधा तो मैंने भाई बिना बीकन के ही खोद दिया, और ये बीकन मैं कितने किलोमीटर दूर से लेके आया हूँ, ले लूंगा भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहाँ पर खाली नॉर्मल खुदाई करने आया था। अरे मुझे क्या पता यहाँ पर डायमंडों की बौछार हो जाएगी मेरे ऊपर भाई, ये हुई ना बात। वैसे मैं कायदे से गलत कर रहा हूँ अपने उससे तोड़ के, इसको सारे के सारे सिल्टर से तोड़ के, बट ठीक है। अभी हम लोग कितना खोदना था नीचे को, 1 2 3 4 और एक और बस 5 दे रहे, ठीक है, इसको वापस से ढक देता है अभी के लिए। अभी हम लोगों को दोबारा वैसे खोदना ही है इसको, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो देखो मैंने चारों तरफ से ऐसे गड्ढे कर दिए हैं, ओके एक तरफ से नहीं हुआ है, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5, ओके ये वाले को भर दो, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, बस सिंपली यहाँ से ऐसे करके सीधे खोदना है, कुछ सोचने भी नहीं भाई, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे भाई के पास ना बहुत दिमाग है भाई। मैंने चारों तरफ से चारों एंगल्स में एक एक गड्ढा कर दिया, अब मेरे को पता है कि जहाँ पर भी मुझे वो गड्ढा मिलेगा वहाँ पर ये ख़त्म, अब मैं इधर को जा सकता हूँ। दिमाग तो है ना भाई, ऐसी थोड़ी ना भाई, ऐसी थोड़ी ना, आगे हाँ ये है, ये है, ढके थोड़ा ना होंगे मैंने गड्ढे,
सबसे सेटिस्फाइंग चीज है। अब मेरे को 2 मिनट दो, ये नीचे का भी पूरा 5x5 खोद के तुम लोगों से मिलता 2 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, ऊपर को तो खोद दिए दो, अब नीचे को 5 खोदने हैं, पूरे 5। और इसी के साथ गाइस बस कंप्लीट, देयर वी गो। ठीक है तो हम लोग का पूरी की पूरी खुदाई जो थी वो कंप्लीट हो गई है, इसको बड़ा भर देते हैं। ठीक है तो हम लोग की पूरी की पूरी खुदाई जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है अभी के लिए। ये जितना हो सकता था ना उतना ज़्यादा मैंने खोद दिया है, बाकी ये बीकन हटाना है अभी वो दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि अभी अपना काम जब हो ही गया इसका तो इसको भी हटाए थे। बट देखो अभी हम लोगों ने इसको इतना कर दिया है राइट, ये अपना लग रहा है कि हाँ भाई ये फिनिश हो गया, मज़ा आ गया। बट हम लोगों को बस उसका सेंटर देखना है सबसे पहले, तो हम लोग जहाँ ये रहा ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आने जाने का पूरा करने वाले हैं। सब कुछ एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। अब हम लोगों को पहले तो इसको क्लियर होने के लिए वेट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हम लोगों को ये जो है ना ये जगहों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के कहीं ना कहीं जाने के रास्ते लगे, ये वाला हमारा एक्सपी फार्म की तरफ को जाता तो इधर भी कुछ, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चीज़ रहेगी। अब हम लोगों को चाहिए ढेर सारा स्प्रूस का वुड, तो चलो यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले बाहर। और बाहर निकलने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा ये, यहाँ से नीचे को खोदते एक बारी ठीक है। और चलो अभी निकलते हैं फटाफट से बाहर और लेके आते हैं ढेर सारा स्प्रूस का वुड, क्योंकि स्प्रूस के लॉग ये सारी, मतलब मैंने बेसिकली सोचा है कि स्प्रूस से करते हैं, वैसे बनाने को तो हम किसी भी वुड से बना सकते हैं, बट स्प्रूस ना थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, लेकिन डार्क ओक वुड उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है फॉर श्योर, बट मेरे को पता नहीं कि स्प्रूस बेस्ट लगता है, एकदम ऑलराउंडर टाइप लगता है मेरे को। चलो गाइस फटाफट से इसको करते हैं दोबारा से स्टार्ट। अरे यार एक तो ये बर्बादी होती है ना, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। चलो फटाफट से करते हैं, स्प्रूस उगेगा यार, स्प्रूस नहीं बनता ना इसमें, मेरे को लगा था इसके अंदर स्प्रूस नहीं बनता है, क्योंकि स्प्रूस के लिए बहुत हाइट और जगह चाहिए होती है। आई गेस गाइस इसके अंदर यार एक चीज़ चाहिए थी वही नहीं बनेगी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ यार। उग जा स्प्रूस, हुआ नहीं, बंद करो भाई, कितना बर्बाद हो गया अपना, आप सभी से ऑलमोस्ट एक एक दे दो स्टैक गायब हो गए। चलो अभी क्या करते हैं, अब हम लोग स्प्रूस वाला ट्रीज तो नहीं लगा सकते, प्लस हम लोग वो भी नहीं लगा सकते फिर इस हिसाब से डार्क ओक राइट। अब हमें जब हाथ से तोड़ना है तो भाई मैं हमेशा ही डार्क ओक प्रेफर करता हूँ, लेकिन जब भी हाथ से तोड़ने की बात आती है तो मैं डार्क ओक से ही तोड़ना, मतलब डार्क ओक ही बेस्ट लगती है मेरे को। तो चलो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं फटाफट से ये जो हमारे कैसल के जस्ट सामने डार्क ओक लगी है ना इसको तोड़ लेता हूँ ठीक है। यहीं पर हम लोग वापस भी लगा देंगे, हम लोग को आराम से मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डार्क ओक तोड़ के। अरे यार ये मैंने ऊपर से एक बेवकूफ़ तो हूँ मैं, अब क्या ही बोलूँ कितना हूँ वो तो तुम समझ ही जाओगे। क्या बोलूँ अभी छोड़ो, चलो फटाफट से मेरे को 2 मिनट दो, मैं ढेर सारी डार्क ओक तोड़ के तुम लोगों से मिलता यहीं पर। तो गाइस यार हम लोग पेड़ वेड़ तोड़ के वापस आ चुके हैं, अभी हम लोग को ये भी तोड़ना है मेरे को पता है, बट इसको हम लोग आराम से तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत जल्दीबाजी वाली चीज़ नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, हम लोग पहले एक काम करते हैं इसको ना पूरा का पूरा स्टैक वैक इसका निकालते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बेसिकली पहले चारों तरफ हर एक कॉर्नर में एक एक पूरा पिलर बनाना है ठीक है। तो एक पिलर यहाँ पर हो गया, भाई क्या अंधेरा हो रहा है यार, रुकने को एक हाथ पे अपने लाइट रखनी चाहिए राइट, जब एटलीस्ट तुम लोगों को तो क्लियर दिखेगा, क्योंकि मैं तो बाद में इसमें पूरी की पूरी लाइट दिखा दूंगा लगा दूंगा, बट फिर तुम लोगों को उतनी देर में बहुत ही गंदा सा दिखेगा राइट। ये हो गया ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया, अभी इसको भी तोड़ देते हैं, डैमेज ले लो फ्री फालतू का। चलो ये हो गया, आई गेस ये लास्ट पिलर है ना या फिर थर्ड पिलर है, मेरे को याद नहीं है। पहले हम लोगों को पहले हर एक कॉर्नर में पिलर चाहिए ठीक है। ये क्या बात हुई यार, तुम तो बदतमीजी पे उतर आए। ये हो गया ठीक है, इसको तोड़ देते हैं, और हर बार ही थोड़ी ना भाई क्यों मैं फालतू का डैमेज। चलो ये हो गया लास्ट, अभी भी बचा हुआ है यार, मेरे को मैं खुश हो गया था, मैं कहा वाह पिलर खत्म, ऐसा भी नहीं था बट ठीक है, इसको भी तोड़ देते हैं, बस हो गया अपने सारे के सारे पिलर्स बन चुके हैं। बाय द वे ये जो वाटर है ना गाइस, ये वाला वाटर भी मैं हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग टाइप की वो बनेंगी, क्या कहते हैं हमारी अलग टाइप की लिफ्ट बनेंगी। ये हो गया, अब हम लोगों को यहाँ से 1 2 3 4 5 जगह को छोड़ के हर एक उसमें एक पिलर डालना है ठीक है। रुको देखते हैं, 1 2 3 4 5 और एक पिलर यहाँ पर आएगा, अभी गलत लगा देगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गाइस कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने शायद, 1 2 3 4 5 अबे यार ओके। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने ये वाली दीवार जो थी ये एक एक्स्ट्रा शायद से डाल दी है, ये कायदे से यहाँ नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 हाँ ना गाइस यार, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैंने ये वाली दीवार गलती से गाइस एक एक्स्ट्रा खींच दिया, तो चलो अब इसको पूरा का पूरा बंद करते हैं। वैसे कायदे से मेरे को इसको ऐसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ये तो पूरा ढक ही जाएगा राइट, और हम लोग ओवरकिल करके ही लेके आए हुए सारा का सारा अपना जितना भी वुड है, तो मैं कायदे से ये कर सकता हूँ। पहले ये किया, अब इस दीवार को हम लोगों को पूरा का पूरा दोबारा से भरना भी पड़ेगा। मेरे को 2 सेकंड देना गाइज, मैं सारे के सारे पिलर्स को खींच के तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ, ठीक है। गाइज देखो हम लोगों ने सारे के सारे पिलर्स बना दिए हैं, ठीक है। अभी जमीन का भी करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें भी है, बट वो तो हम लोग कर लेंगे। बट अभी के लिए देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप जो कि हम लोगों की इस एरिया को ना बहुत ज़्यादा कूल बनाएगा वो होगा ये। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उई आसमान पूरे, अबे ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है वो कुछ ग्लिच हो गया। मैं खुश हो गया भाई, मेरे को वाओ माइनक्राफ्ट में एक्सरे आ गया क्या। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है गाइस, हम लोगों को इसको 2 डीप ऐसे खोदते हुए चलना है। एक में हम लोग कांच भर देंगे पूरा का पूरा, और दूसरे में हम लोग पानी भर देंगे जिससे हम लोग नीचे को आएंगे, ठीक है। तो चलो आई थिंक हम लोगों को ऐसे ही तोड़ते हुए चलना पड़ेगा इसको। और बढ़िया है रे, मैंने वो पता है बीकन हटाया नहीं गाइस, सही करा मैंने बिल्कुल। लाइक मैं पहले सोच रहा था बीकन जल्दी जल्दी हटाता हूँ, बट एक्चुअल में वो बीकन नहीं हटा के हम लोगों ने इतना सही चीज़ करा है ना, क्यों, क्योंकि वो कायदे से हम लोगों को लाइक अभी भी ये पावर देने में है ना, तो अपने लिए थोड़ा सा अच्छा हो रहा है इसकी वजह से। बस देखो ये हो गया, यहाँ से भी हम लोग इसको पूरा का पूरा खोद देते हैं। देखो ये दोनों के दोनों खुद चुके हैं, अब हम लोग क्या कर, रुको यार ये वाला मैंने शायद से किया, गधा तो मैं हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। चलो ये हो गया, इसको पूरा का पूरा ऐसे खोद देने का ये। अब ऊपर से हम लोग ये वाला पानी कैंसिल कर देंगे, और क्या करेंगे ये वाला पानी को कैंसिल करके हम लोग इधर से दोनों के दोनों को ऊपर तक का लेके जाएंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे को खोद, तुम समझ रहे हो यार मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग बस ट्राई कर रहे हो कि मैं हफल फफल कर जाऊँ, समझ रहे हो, लेकिन मैं हफलता फफलता ही नहीं हूँ। चलो अभी क्या होने वाला है, देखो हम लोग अब एक यहाँ से निकालने वाले हैं, एक यहाँ से निकालने वाले, राइट, मतलब यहाँ से एक आएगा लिफ्ट और एक लिफ्ट यहाँ से आएगी यार सैडली, तो ये वाला मेरे को खोलना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो यहाँ से लेके जाएंगे पूरा का पूरा, और दूसरा वाला हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इस वाले को लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हम सही जा रहे हैं तो हम लोग अभी नीचे गिरने वाले हैं बहुत जल्दी, अगर हम लोग गलत जा रहे हैं तो हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे। तो अब सोचो क्या हम नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, बेसिकली मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं गिरूँ, तभी तक मेरे को पता चलेगा कि मैं सही खोद रहा हूँ। अगर मैं गलत खोद रहाऊँगा तो हम लोग नहीं गिरेंगे, क्या हम लोग गिरेंगे या हम लोग नहीं, ओके हम लोग गिरेंगे, चलो बच गए। अच्छा वहाँ पे पानी पहले से था, चलो इसका मतलब एक हमने सही खोद दिया है, अब हम लोग को दूसरा वाला खोदना है, और एक काम और करेंगे हम लोग कांच भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलो और इसी के साथ गाइज हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं, हम लोग अपना कांच भी लेके आ गए हैं, तो चलो फटाफट से एक काम करते हैं। आगे वाले में मैं कांच इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हम लोगों को मस्त करके दिखे कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं यार, लाइक थोड़ा सा ऐसा कूल सा लगता है ना देखने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बस एक थोड़ा सा तोड़ देता हूँ यहाँ से बाहर को निकल के, ये भी कांच से ढक देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इतना कांच से नहीं 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 ये वाला नहीं, ठीक है ये वाला नहीं, इसको हम लोग प्रॉपर स्टोन से ही ढकेंगे। देयर वी गो, ये कांच सही है, मतलब कांच बेसिकली मैं बस वहीं तक लगाना चाहता हूँ जहाँ तक का हम लोग लाइक हम लोगों को बेसिकली दिखेगी ज़मीन, ठीक है। तो ये हो गया, और ये वाला यार ये मैं पानी हटाना भूल गया यार, मेरे को ऊपर से ना पानी भी हटाना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो अभी के लिए बस ये हो गया, यहाँ तक का बस हो गया, इसको हम लोग इधर को आ जाते थे मैंने करके रखा है। चलो ये हो गया, अब हम लोग को ये पानी भी बंद करना है और ये एरिया भी बंद करना है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग पूरा का पूरा ऐसे ढक देते हैं, और इसको भी बंद कर देते हैं, देयर वी गो, और इसको भी ऐसे करके बंद कर देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर बस हो गया, देयर वी गो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अंदर बाहर आने जाने वाला काम कर सकते हैं अपना आराम से, और वहाँ पर हम लोग पानी फेंक देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जाने का हो गया, आने का हो गया, ये रख लो बाकी सारा का सारा सामान। गाइस यार चलो स्टेप टू करते हैं, अभी के लिए मैंने इसको सही कर दिया है, ठीक है। देखो नीचे जाने का तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग सीधे यहाँ से गिर जाएंगे और पानी में कूदेंगे, तो पानी से हम लोग मर नहीं सकते, ठीक है। नीचे जाने का बहुत ईजी है, अब हम लोगों को ऊपर आने का बनाना है, ठीक है। ऊपर आने वाले के लिए तुम्हें पता है हम लोगों को क्या चाहिए होता है, राइट। तो हम लोगों को चाहिए होगा ढेर सारा कैल्प, और हम लोगों को चाहिए होगा क्या, हम लोगों को चाहिए होगा एक सोल सैंड, बस एक ये रहा एक सोल सैंड, और हम लोग को चाहिए ढेर सारा कैल्प, राइट। कैल्प के लिए यार मेरे पास एक ग्रीन सुल्कर बॉक्स था, अगर हमें वो मिल गया तो बढ़िया। ये रहा कैल्प, भाई मैं बता रहा हूँ यार जुगाड़ तुम्हारे भाई ने सारे कर रखे हैं, बिल्कुल एकदम तैयार है भाई। चलो आई डोंट थिंक ये एक स्टैक से ज़्यादा, चलो ठीक है यार अगर बाई चांस फिर से चाहिए होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इसको जरा फेंक देते हैं, ये वापस से यहाँ डाल देते हैं और ये उड़ जाएगा। चलो अब हम लोगों को जाना है यहाँ से नीचे को, और उसके बाद वहाँ पर हम लोग आएंगे सोल सैंड, सोल सैंड के बाद हम ऊपर को जाएंगे। बाय द वे बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो कि ये लिफ्ट कैसे काम करती है, लाइक
बनानी सबको ही आती है ऑलमोस्ट, लाइक लिफ्ट बनाने में क्या ही है राइट, हम लोगों को खाली ऐसे ऊपर जाना है, जो ये होता है इसमें मैग्मा ब्लॉक लगाते हैं तो नीचे खींचती है और उसमें वो होता है, बट ये काम कैसे करती है तुम लोगों को पता है? बेसिकली तुम चाहो तो इसको बिना कैल्प के भी बना सकते हो, मैं चाहूँ तो इसको बिना कैल्प के बना दूँ पूरी की पूरी लिफ्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों बनाते कैल्प के साथ वो मैं बताता हूँ। बेसिकली कैल्प क्या करती है ना, कैल्प एक तरह से जैसे ये देखो अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्यों ये अभी हम लोगों को ऊपर क्यों नहीं फेंक रहा है, जबकि अगर ये फेंकने वाला है तो ये तो फेंक देना चाहिए सीधे ऊपर को, क्यों नहीं फेंक रहा है? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर ना अलग अलग वाटर के वो होते हैं, लाइक अगर एक एक ब्लॉक ये वाटर का होता ना तो ये हम लोगों को सीधे ऊपर फेंक देता, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक वाटर बकेट मारूं, यहाँ पे मारूं, ऐसे करके मैं पूरा ऊपर तक मारूं, मैंने क्या कर रखा है ऊपर से बस एक वाटर बकेट फ्लो कर रही है ना। कैल्प क्या करता है बेसिकली यही चीज करता है, वो क्या करता है वो हर एक ब्लॉक को वाटर का ब्लॉक बना देता है, जैसे अभी क्या है अभी वाटर नीचे फ्लो करके आ रहा है राइट, ये वाटर का एक एक ब्लॉक बनाता है, फिर तुम कहीं से भी बाल्टी से पानी निकालो देखो तुम्हें एक एक ब्लॉक मिलेगा पानी का पूरा। तो कैल्प बेसिकली हमारा जो इतना टाइम वेस्ट होगा बारी बारी बकेट ला ला के एक एक ब्लॉक में पानी डालेंगे, कैल्प बेसिकली क्या करता है उसी को पूरे के पूरे जितने वहां पर गए ना, देखो जैसे मैं इसको तोड़ूंगा ना अब ये बेसिकली एक एक ब्लॉक बन गया, अभी ऊपर से फ्लो करके पानी नहीं आ रहा है तो इसलिए अब हम लोग ऊपर को जा पा रहे हैं, समझ रहे हो? अगर तुम कोई छोटी लिफ्ट बनाना चाहते हो तो तुम्हें कैल्प की नीड भी नहीं है, अगर बाय चांस तुम्हें नहीं चाहिए कैल्प तो अगर चाहिए तो फिर तो लो भाई क्यों नहीं लो। चलो ठीक है अभी हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग फटाफट से पहले तो यहाँ पर इन दोनों को बंद कर देते हैं और इन पे ना थोड़ा सा लिख भी देते हैं कि कौन सी क्या करती है ना, ओक का लेते हैं यहाँ पर ज़्यादा सिंपल होता है, देयर वी गो। अरे एक ही में बन जाएगा ना भाई, मैं तो भूल ही गया यार। चलो यार ये वाला ना तोड़ना ही पड़ेगा यार, ये हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अप, एक्चुअली नहीं एग्जिट लिखते ना, अप क्या होता है और ये क्या है एंट्री, ठीक है ये लो ये एग्जिट हो गई ये एंट्री हो गई और मेरे पास बिल्कुल ही जेब में जगह नहीं है। सीक्रेट बेस डू नॉट एंटर वेरी डेंजरस एनिमल, वेरी डेंजरस गाय इनसाइड। चलो ये भी हो गया, ठीक है ये हो गया, अब हम लोग यहाँ से नीचे जा सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है जब भी हमें जाना होगा, और यहाँ से हम लोग किसी भी टाइम पे ऊपर आ सकते हैं। तो हमारी लिफ्ट का भी काम कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फाइनली जो काम हम लोग करने आए हैं वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि होगा हमारा बेस बनाना, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से बेस बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको तो मैं आराम से तोड़ूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है देखो, यहाँ से 1 2 3 4 और ये पांचवे पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, रुको अभी के लिए ये लगा देता हूँ मैं, ठीक है उसके बाद ये सही है ना 1 2 3 4 हाँ सही है, ठीक है यहाँ से हम लोग पांचवे पे करेंगे तो हम लोग को चार ब्लॉक नीचे के लिए मिलेंगे और चार ब्लॉक करेक्ट ऊपर के लिए भी मिलने चाहिए, या फिर ज़्यादा मिलेंगे पता नहीं, याद नहीं है रुको एक मिनट, यहाँ से पानी निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 5 हाँ सही है, ठीक है तो ये हो गया हम लोगों को यहाँ से ऊपर के लिए, ऊपर से पाँच मिलने बट वो भी मैं कम कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब हम लोगों को क्या करना है ना बेसिकली लेके आओ फिर क्राफ्टिंग टेबल का है यहाँ पे, हाँ रखी हुई है ना मैंने। अब हम लोग निकालते हैं अपने थोड़ी सी स्टेयर्स बनाते हैं, तुम लोग सोचोगे ओके क्यों बना रहे तो अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा वो डिज़ाइन यार डिज़ाइन वाला भी तो काम होता है ना भाई का। अरे मैं खाली कोई फालतू फूड ना बैठा हूँ यार, यहाँ पे थोड़ा डिजाइनिंग भी तो चल रही है, थोड़ी मेहनत भी तो चल रही है। चलो ये हो गया, अब बस सेंटर पे एक नॉर्मल सा स्लैब लगा दूंगा, भाई कूल तो हूं मैं यार, दिमाग देखो ना तुम, वाव अरे फेंक भी दिया वही तो चाहिए थे। दिमाग तो बहुत है। चलो ये हो गया, अब हम लोग इसमें ऐसे करके एक स्लैब लगा देंगे, इस स्लैब पे हम लोग ऐसे करके लाइट लटका देंगे तो ये थोड़ा सा कूल हो गया। मैं तो बोलता पता क्या इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये देखो भाई डिजाइनिंग देखो तुम भाई, कि इंटीरियर डिजाइनर नहीं बन सकता तो बोल दो कि नहीं भाई इंटीरियर डिजाइनर तो मुश्किल लग रहा है, देखो एक बार पता नहीं क्या बना दिया है बट बना दिया है कुछ तो। चलो ठीक है ये हो गया, अभी हम लोगों का इतना लाइक ये हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है रुको जरा, अब हम लोगों को ऊपर चलना है ठीक है, और चलो ऊपर दोस्त चलो वेरी गुड, ठीक है हम लोगों को ऊपर जाना है। अब हम लोगों को क्या करना है यहां से, यार मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल लाना भूल गया ना, मैं हूँ तो समझदार आदमी यार, बहुत ज़्यादा समझदार हूँ मैं, मेरी शक्ल पे मत जाना, शक्ल से भी समझदार ही लगता हूँ। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को चाहिए होंगे ढेर सारे स्लैब्स, ठीक है हम लोगों को स्लैब्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले, देखो यहाँ से हम लोगों को बेसिकली इसको दो आगे खींचना है ठीक है, पूरे के पूरे को, मतलब बेसिकली ये होगा यहाँ से ऐसे और उसके बाद दो आगे, समझ रहे हो
ऐसे करके। तो ये हमारा जो सेकंड फ्लोर होगा ना, ये सेकंड फ्लोर की एक तरह से सीलिंग बन जाएगी। और पूरा सीलिंग नहीं बनाना है, सिंपल यही बस यहाँ से एक फिर दो आगे को, बस इतना ही। तीन बेसिकली, तीन तीन मतलब एक तरह से। वो यहाँ पर मैंने वो ही नहीं लगा रखे हैं, मैंने अभी देखा पिलर, मेरे को दो सेकंड होगा इसमें, ये भी बना के आता हूँ और पिलर्स भी लगा के आता हूँ। 1 2 3 4 5 काम करो ऐसा, बिल्कुल दोबारा करना पड़ जाए। मैं लिटरली काम ऐसे करता हूँ ना अपने काम, कि दोबारा बंदा बोले ना काम करने के लिए। ट्रिक तो अच्छी है बट अपने काम में थोड़ी ना करनी होती है। गाइस देखो, मैंने पूरा का पूरा नीचे से एरिया बना दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है ना, सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे के सारे जितने भी ये है ना, इनको लाइक आपस में बस जोड़ देंगे। अभी ये क्या ही कूड़ा गंदगी मचा रखी है मैंने बाइक और यार, देखो तो सही तुम लोग एक बार, ये हो गया बस। अब हम लोग इनको नॉर्मली बस एक से जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें वो नहीं करना है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पाथवे टाइप का बना रखा ना, ये नहीं करना है। बस एक ही चीज़ का मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है जो मैं अभी सही करता हूँ, रुको मेरे को तुम लोगों का हेल्प चाहिए होगा उसमें थोड़ा सा। पर पहले ये पूरा का पूरा जोड़ देते हैं आपस में, देर को हो गया, एक लाइन बची है अभी तक। मुझे लगा कि हो गया भाई, क्या मज़ा आ गया क्या, ये हो गया बहुत बहुत बढ़िया, यही तो करना था। चलो ये अबे कितना बचा, ओके ठीक है लास्ट है। मेरे को लगा कि ये तो आज खत्म ही नहीं होगा दोस्त। चलो ये हो गया पूरा का पूरा, देखो हम लोगों ने सबके सबको जोड़ दिया। अभी इसको भी हटाते, कम हो रहा है क्या ने को, तो ये तो पहले बंद ही करो रास्ता भाई इधर का, ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने ये कर दिया पूरा का पूरा, और ये भी हम लोगों का यहाँ तक का हो चुका है। हम लोगों का भी इसको भी डिग करना है वो तो, लेकिन हम लोग जो जो चीज़ें बनाएंगे रिस्पेक्टिवली वैसे डिग भी करेंगे। अभी हम लोगों को बस एक चीज़ क्वेश्चन में, जो कि है मैं ऊपर कैसे जाऊँगा, राइट। सबसे मेन चीज़ है कि ऊपर वाले फ्लोर को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, हम लोग कोई रास्ता तो बना नहीं रहे नॉर्मली ऐसा करके कि हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा ना, क्यों ना हम लोग ये करें, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे खोद के, अगर बाय चांस हम लोगों का लाइक सामान कुछ भी पानी वानी ना आए, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, मेरे पास एक बहुत ही सही आइडिया है। लाइक हम लोग यहाँ पर से स्टे वो लगाते हैं, अपने पास लैडर पड़ी हुई है, यहाँ से ऐसे करके लैडर लगाते हैं, देयर वी गो, और यहाँ से ऐसे करके निकल जाएंगे बाहर को और हमारा रास्ता हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसको हम लोग पूरा का पूरा तोड़ के अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास ये पड़े, हाँ ये पड़े हुए। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चाहिए मेरे को, यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा इसको एज अ पिलर लेके आ सकते हैं। ये लास्ट वाले को बस हम एक स्टेयर बना देंगे, ठीक है, हम लोग को एक स्टेयर चाहिए होगी, खत्म, देयर वी गो, ठीक है। इसको लास्ट वाले को हम लोग एक स्टेयर बना दें ताकि वो थोड़ा सा सर में ना लगे, यू नो, हो गया गाइस, ठीक है। पानी का भी अपना पूरा का पूरा इंतजाम हो गया है और अब हम लोग यहाँ पर आराम से ये लगा सकते हैं, देयर वी गो, अपनी लैडर्स हो गई रेडी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो पूरा का पूरा रास्ता कर दिया क्लियर एकदम, यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ मतलब बेसिकली अब हम लोगों के पास प्रॉपर है कि हाँ, हम लोग अगर ऊपर वाला फ्लोर जाना होगा तो हम लोग कैसे जाएंगे, नीचे वाले फ्लोर पे आना होगा तो कैसे आएंगे। नीचे वाले फ्लोर पे तो ईजी है, ऊपर से बस नीचे करके ऐसे करके कूद गए, नहीं तो अगर हम ऊपर वाले फ्लोर पे तो सीढ़ी चढ़ के नीचे आ गए, ठीक है। इनको बंद कर देते हैं, बस अब यही दिक्कत है कि ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है दरवाजे से हवा में, बट ठीक है कोई बात, क्या ही कर सकते हैं, राइट। चलो ये भी हो गया अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। अब हम लोगों को बनाना स्टार्ट करना है एक एक करके सारे का सारी चीज़ है, ठीक है। जमीन पे तो मैंने क्या सोचा हुआ है, देखो ये जो है ना, ये इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग पूरा फार्मिंग का बना देते हैं बेसिकली, समझ लो कि फार्मिंग ही होगी हर जगह पे, हर चीज़ पे फार्मिंग ऐसे करके रख देंगे। बाकी यहाँ पर हम लोग अपना एक एक चीज़ बनाते जाएंगे, लाइक स्टोरेज रूम वो सारी चीज़ें। बट पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सुबह से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग एंड में छेड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे सारे फार्म हो, चार टाइप के फार्म, चार टाइप की जगह ऐसे घेर देंगे, मस्त करके लगेगा, कूल दिखने का। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले अपने लिए बनाएंगे एक बढ़िया सा, देखो नीचे चेस्ट रूम भी बना सकते हैं, हाँ नीचे चेस्ट रूम और बेडरूम बनाते हैं। मैं तो बोलता सबसे पहले अपने लिए बेडरूम बनाते, रुको जरा। मतलब कूल लगेगा ना यार, ऐसे समझ रहे हो तुम, ऐसे तुम्हारा भाई है ऐसे करके बिल्कुल बेडरूम, वाओ ऐसे लगेगा ना यार दिखने का। थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोचो यार, ठीक है। हम लोग इसको एक काम करते हैं, 5 डीप करते हैं, 1 ये तो कह रही है काउंटिंग का, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको इतना डीप रखते हैं। तो गाइज यार चलो बेडरूम हो चुका है, अब हम लोग अगली चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को पहले इस एरिया को कितना 1 2 3, ठीक है, 3 डीप खोदना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से इसको खोद लेते हैं। तो गाइज यार चलो अपना बेडरूम हो चुका है, फटाफट से जल्दी से इसको खोद लेते हैं। मैं सारा का सारा सामान लेके आ गया हूँ, अब हम लोग अपना पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने वाले हैं, जो कि एक्चुअली यहाँ पे काम भी करेगा, समझ रहे हो। ये बेसिकली हमारा पूरा पूरा अंडरग्राउंड बेस होगा, जिसके अंदर हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, चाहे फिर वो फूड हो या फिर कुछ भी हो। बाई चांस अगर हमें कभी इसके अंदर बंद होना पड़ गया,
जो कि ना पड़े भगवान, बट अगर बाय चांस हम लोग को यहाँ पर बंद होना पड़ गया तो वो भी हमारा काम चलते रहेगा। ऐसे करके मैं सामान लेके आ गया हूँ। अब हम लोग क्या करने वाले, देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर अपने लिए 1 2 3 4 5 ठीक है ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे नॉर्मल सा स्टोन अपने लिए, ठीक है देयर वी गो। यहाँ पर हम लोगों का एक वाटर चला जाएगा, बस वो पूरा का पूरा वाटर इधर से उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हम लोग अपना सैंड वैंड मतलब सैंड बोल रहा हूँ अपना वो सारा का सारा सामान लगा देंगे। और अब हम लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक ऐसे कर, अरे उल्टी लगा दिए हम लोग, बेसिकली इधर को फेस करते हुए हॉपर लगाना है ठीक है। बस हम लोगों को याद करना है कि यहाँ पर देखो हमारे आएगी शुगर केन राइट, ये आगे हम लोगों की शुगर केन, तो ये शुगर केन जब भी 2 की हाइट की होगी तभी वो तोड़ेगा। तो यहाँ पर आएंगे सारे के सारे पिस्टन जो धक्का मारेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑब्जर्वर ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बारी ना पहले यहाँ पर ऐसे करके बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद इसके मुंह पे हम लोग ऐसे करके हॉपर मार देंगे। तो अब अगर बाय चांस में इसको हटाओ तो यस, तो ये सारे के सारे फेस यहाँ पर है। अब हॉपर के मुंह में जो भी आएगा वो सीधे सीधे क्या कहते हैं वो बन जाएगा, क्या कहते हैं टूट जाएगा, बेसिकली लाइट का अपना जुगाड़ हो गया। अब ये जैसी ग्रो होगी ना ये सीधे जाके तोड़ देगा। बट अब हम लोगों को चाहिए होगा कुछ सामान जो कि लाइक जहाँ पर ये जाएगा राइट, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पर बस एक वो लगा देते हैं हॉपर लगा देते हैं गेरा। और अब हम लोगों को यहाँ पे लगानी है पहले नॉर्मल रेल ग्रो, और उसके बाद कोने कोने में लगा देंगे हम लोग पावर रेल, दोनों साइड से पावर रेल लग गई। अब हम लोग इन पावर रेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं देयर वी गो, और एक यहाँ पर, अरे देयर वी गो ठीक है, दोनों के दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम लोगों को बस यहाँ पर एक माइनक्राफ्ट विद हॉपर डालना है देयर वी गो ठीक है। अभी अपना काम करते रहेगा, ये जितने भी ऊपर टूटेंगे ये लेते रहेगा, नीचे वाले हॉपर में डालते रहेगा, नीचे वाले हॉपर से ये कहाँ जाएगा वो मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अभी के लिए इसको पूरा का पूरा ढक देते हैं। अब हम लोगों को बनाना है अगली चीज जो कि होगा मेरा एन्चांटिंग रूम। मेरे को एक प्रॉपर एन्चांटिंग रूम चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि एन्चांटिंग रूम क्यों ना नीचे बनाया जाए, समझ लो जैसे अपने बेडरूम वेडरूम के पास पानी ही नहीं है, पानी तो ऊपर डाल दिया ठीक है। तो हम लोगों को अभी उस चीज़ के लिए भी देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए एटलीस्ट हमारा शुगर केन फार्म तो वर्किंग हो गया। ऐसी करके हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी, जैसे कि चेस्ट रूम होगा वो सब होगा। चेस्ट रूम हम लोग करेक्ट यहाँ पर बनाएंगे ठीक है। अब तुम लोग समझ गए होगे कि चेस्ट रूम करेक्ट नीचे क्यों बनने वाला है ठीक है, क्योंकि ये जो हॉपर था ना ये हॉपर अभी हम लोगों के इधर पर आ जाएगा, और ये जिस भी चेस्ट में जाएगा वो डायरेक्टली सीधे इसका सारा सामान ले लेगी। ये बेस्ट चीज़ है, यही मैं बोल रहा था तुम लोगों को कि हम लोग इसीलिए इस हॉपर को ऐसे करके निकाल रहे थे। एक काम करते हैं अगला चेस्ट रूम ही बना देते ठीक है। तो हम लोगों को चेस्ट रूम कितना चाहिए होगा, बस 2 डीप ठीक है, ज़्यादा हम लोग अगर हम लोग ऐसे सीधे में लगाएंगे ना तो हम लोगों के पास ज़्यादा जगह होगी अकॉर्डिंग टू मी, बट ये लगे भी तो सही, इसको ऐसे फेस करके लगाना पड़ेगा आई गेस, कोई बात नहीं। एक एक चेस्ट थोड़ा सा उल्टा सीधा लग जाएगा, कोई बात नहीं, तो चलता है राइट। बस हो गया, अब हम लोगों को ऐसे करके पूरी की पूरी चेस्ट से भर देना है इसको। ये हो गया हमारा चेस्ट रूम एरिया है ना, और बाकी इसको मैं करता हूँ, बिल्कुल इसका मेरे पास इलाज है, तुम टेंशन मत लो ठीक है। मेरे को बस थोड़ा सा और डार्क ओक वुड चाहिए होगा, वो मैं लेके आता हूँ, और उसके बाद हम लोग इसको स्लैब्स लगा स्टेयर्स लगा देंगे बेसिकली। अभी स्लैब्स भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है ठीक है। बस यहाँ पे अंधेरा बहुत हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं करता हूँ कुछ लैंटर्न वेंटर्न लेके आता हूँ। अब मेरे को 2 मिनट दो, पहले मैं ढेर सारे चेस्ट लेके आता हूँ, और हम लोग अपने जो एन्चांटमेंट एरिया बनाने वाले ना वो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे बना दे या फिर इस साइड पे भी बना सकते, दोनों में से किसी एक जगह पे बनाते हैं, या फिर ऊपर भी कूल लगेगा आई गेस यार, एन्चांटिंग रूम ना ऊपर भी कूल लगेगा। मैं एक ट्राई करता हूँ, नीचे खाली फार्म वाली फार्म नहीं, मतलब नीचे खाली समझ थोड़ी चिल चिल चीज़ें रखते हैं, ऊपर काम की चीज़ें रखते हैं, जैसे शुगर केन फार्म हो गया, तो ये शुगर केन फार्म थोड़ा सा एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ ही हो गई, तो वो हम लोग ऊपर नीचे रख सकते हैं, ऐसे मतलब ऊपर रख सकते हैं, ऐसे करके मैं सोच रहा हूँ। और अभी अपनी माइनक्राफ्ट विद हॉपर भी डाल देते हैं इसमें, ये अब अपना चल लग गया, इसको कर देते हैं वापस बंद, बंद कर देते हैं, ये बाकी अपना काम करने लग गया दोबारा से। अब चलो मेरे को 2 मिनट दो, मैं सारा का सारा सामान लेके आता हूँ। यार ये पानी भी लेके आता हूँ भाई, मेरे को 2 सेकंड दो बस, मैं आ रहा हूँ ठीक है। गाइस यार मैं सारा का सारा सामान लेके आ गया, और ये परेशान करने के लिए आ गए हैं, जल्दी से चलते हैं फटाफट नीचे। ओ नो, मैंने पानी, मैं हूँ ही गधा भाई, मैंने यहाँ से पानी निकाल दिया था ना वहाँ डालने के लिए। बहुत दिमाग तो बहुत है तुम्हारे भाई में, बहुत ज़्यादा ही दिमाग है, थोड़ा ज़्यादा ही है ठीक है। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोग चलते पहले ऊपर ठीक है। हम लोगों को सारा का सारा जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था ना, इंपॉर्टेंट वाला सामान सारा का सारा हम लोग बनाएंगे, तो चलो इस, अरे यार इसके बगल में तो कुछ नहीं बनाया, इसको बंद कर रहे यार, मूड खराब कर दिया, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए खुला, ऐसी भाष मारी है, पूरा मूड खराब कर दिया आपने तो ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपना एन्चांटिंग वाला एरिया बनाते हैं। मैं बोलता हूँ एन्चांटिंग वाला एरिया नीचे ही बनाते हैं ठीक है। तो एन्चांटिंग वाला एरिया मेरे को लगता है कि घर के थोड़ा क्लोज बनाना चाहिए। तो अरे पानी कहाँ से आ रहा है भाई, क्या इसी मैं बोल रहा था ना तुम लोगों से, ये
गंदगी है बिल्कुल यहाँ पर नीचे, देख के खोदना पड़ेगा। मैंने फिर भी अपने हिसाब से ही खोदा हूँ, जैसा मेरे को चाहिए था वैसा ही खोदा मैंने, तब भी हक दी। चलो ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली बस इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके जी खोदना है थोड़ा सा, बस हो गया जी, मतलब बस नहीं हो गया अभी और है, और नीचे से भी खोदना पड़ेगा इस वाले को, तो क्योंकि दिखने का थोड़ा सा कूल सा एरिया लगना चाहिए राइट। तो यहाँ पर हम लोग नीचे पूरा का पूरा डार्क ओक डाल देंगे, ऊपर हम लोग पूरे के पूरे अपने जितने भी ये बुकशेल्स है बुकशेल्स लगा देंगे ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा, हमको एक और एरिया चाहिए होगा बस इतना ठीक है। हम लोग इसको बेसिकली मान के चलो ये अगर हमारा सेंटर ब्लॉक है, यहाँ पर हम लोगों की ये आ जाएगी क्या कहते हैं उसे एन्चांटिंग टेबल ठीक है। तो एन्चांटिंग टेबल से एक ब्लॉक या एक ब्लॉक दूर ऐसे सारे के सारे बुकशेल्स आ जाएंगे जितने भी हैं, ताकि हम लोगों को लेवल 30 के एन्चांटमेंट से और दिखने का भी कूल लगे, ऐसा नहीं कि दिखने का कूड़ा लग रहा है और काम भरपूर कर रहा है, जो कि ये काम तो करेगा पूरा प्रॉपर, लेकिन दिखने का कूड़ा भी नहीं लगना चाहिए ना, दिखने का भी तो कूल लगना चाहिए थोड़ा ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा 1 2 3 ओके ठीक है, ये बेसिकली इसका ज़रूरत नहीं ठीक है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एंड में मैं क्या करूँगा पिलर विलर जैसे उठा दूँगा, तो दिखने का भी कूल लगेगा और अपना काम तो देखो ये होने वाला है ठीक है, काम तो ये पूरे का पूरा करेगा ही करेगा। बस इसमें एक दो तीन ताकि हाइट कम ना पड़े ना, बस हो गया 1 2 3 और 1 2 3 जे हुई ना बात। चलो अभी मेरे पास कुछ है जो एन्चांट हो सकता है, नहीं है ना, कुछ बना सकता हूँ मैं जो एन्चांट हो सकता है, नहीं ना, क्या कुछ बनता है, अरे लकड़ी फट्टा एन्चांट करने गया था मैं मजेदार तो हूँ। चलो बस हम लोगों को, अरे ये है ना मेरे पास, हो पड़ी है, चलो हो को एन्चांट करके देखते हैं, अगर ये लेवल 30 के एन्चांटमेंट दे रही है तो ये यूजफुल है, वरना नहीं, लेवल 30 के एन्चांटमेंट दे रही है मस्त ठीक है। अब मैं इसको पूरा का पूरा ढक देता हूँ, ढंग का बनाता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींच रही है, तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं पूरा का पूरा जितना मेरे को लगता है कि हम लोग कुछ चीज़ें डाल सकते हैं वो सारे के सारे मैं बना के फटाफट से तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ ठीक है। मेरे को 2 सेकंड दो, मिलता हूँ ठीक है, 2 मिनट, अरे ऐसे भी जाता है तो बन जाएगा 2 मिनट। गाइज यार फाइनली तुम्हारे भाई ने पूरा का पूरा बिल्ड जो था वो बना दिया है, बट अब इसमें एक लास्ट चीज बचती है जो कि तुम लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ। मैंने सारा सामान जमा कर दिया है जो चीज हमें चाहिए होंगी, बट अब निकलते हैं सीधे, कौन सा वाला यार, ये एग्जिट है ना, एंट्री तो ये पढ़ना पड़ता है थोड़ा यार, हेलो पढ़े लिखे लोगे, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो ये क्या बनाया है भाई, सुनो ये जो है ना खाली वाले, मेरे को इनमें सोचने में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसको कैसे भरूँ, क्या डालूँ इसमें, क्या नहीं डालूँ, तो वो मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को क्या लगता है और क्या कहते हैं, पहले मैं तुम लोगों को सारे रूम्स दिखा देता हूँ ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ से एंट्री है, देखो यहाँ से एंट्री है, लेफ्ट में हमारा स्टोरेज रूम है, ये हमारा नेदर वॉल्ट रूम है, यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं उसे पोशन ब्रूइंग वाला रूम है, यहाँ पर हम लोग का एन्चांटमेंट रूम है, तो तुमने देख लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने 3 टाइप के भी आर्मर रखे हुए, और मतलब मैं इसमें अपना भी प्रॉपर आर्मर रखूंगा, वो सारी चीजें करेंगे। ये वाला मेरा बेडरूम है, यहाँ पर मेरे कर्टन हो गए, ये वाले मेरे पापा हो गए, ये वाले मेरे पर पापा ये मेरे दादा हो गए, ये वाले मेरे परदादा हो गए, ये यहाँ पर व्हील चेयर में ये जैक के दादा हो गए, जैक के पापा हो गए, ये जैक के दादा हो गए, और ये मतलब तुम समझ रहे हो ना भाई, हेलो जैक के पापा जो थे वो साइकिल से स्कूल जाते थे, या जो भी है ये, जो भी चलो ये हो गया हमारा बेडरूम। उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोगों के सारे वेपन्स हैं, इसमें भी मैं प्रॉपर वेपन्स डालूंगा अभी। ये हमारा फर्नेस हो गया जो ऑटोमेटिक है पूरा, हम लोगों को बस यहाँ पर सामान डालना है, और ये सारा का सारा जितना भी है ये क्या कहते हैं जो हमारा माइनक्राफ्ट विद हॉपर है, ये सारा का सारा इनमें भरते रहेगा, बाकी इनमें मैंने पूरा का पूरा कोल भर दिया है, और बाकी ये खुद ही स्मेल्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक स्टैक गोल्ड स्मेल्ट करने लगाया था तो हमको गोल्ड मिल गया, तो ये खुद ही स्मेल्ट होकर यहाँ पर आते रहेगा, और बाकी मेरे को बंद करना है अगर बाय चांस, तो मैं इसको बस एक बार लीवर फ्लिक कर दूंगा, ये देखो बंद हो गया, अभी दोबारा से फ्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं जो सुपर स्मेल्टर होते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं वो डाल के, ताकि हम लोग और तेज फर्नेसिंग हो सके वैसे, और थोड़ा सजा रखा है समझ रहे हो, जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में तो कुछ होता ही है ना। देखो ये हमारा हो गया क्या कहते उसे शुगर केन वाला फार्म हो गया बेसिकली, जैसे शुगर केन बढ़ेगी वैसे ये कट जाएगा, तुम्हें पता ही है। यहाँ पर से हम नीचे से सारा का सारा शुगर केन ले सकते थे, यहाँ थोड़ा बहुत शुगर केन आया भी हुआ है, आई 3 तक की गिनती आता हूँ, अगर क्या पता कोई शुगर केन बढ़ जाए और तुम्हें दिख जाए कैसे यूज हो रहा है, 1 2 2.5 2.45 तो पीछे आ गया मैं, 2 बजने में 1 सेकेंड निकल जाए ऐसे। उसके बाद हम अगले में आते हैं, ये तो हमारा फिर से एंट्रेंस ही हो गया ठीक है। तो ये सारे के सारे रूम्स हो गए, ऊपर हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम है जो कि है हमारा सारे के सारे क्राफ्टिंग वाला रूम। मैं हूँ गधा
जो रूम नीचे होना चाहिए था वो रूम ही ऊपर डाल दिया है मैंने, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो खैर मैं कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, वो मैं ये वाला रूम भी बना सकता हूँ क्योंकि ये एक तरह से एक्स्ट्रा रूम ही हो रखा है। तो मैं सारे के सारे क्राफ्टिंग का जितना भी सामान है वो नीचे लेके आ सकता हूँ, बट मेरे पास तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन में, वो गारंटीड बताना। हम लोग के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रूम्स खाली पड़े हुए हैं, जो कि तुम लोग बताना कि हम उसमें क्या बना सकते हैं, इन सब को छोड़ के जो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तुम लोगों के हिसाब से हम लोग 11 रूम्स में और क्या क्या भर सकते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई ये गड्ढा क्यों कर रखा है, तो ये गड्ढा हम लोगों ने बहुत ही जरूरी काम के लिए कर रखा है। देखो हम लोग इसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें बनाने वाले हैं अपने लिए फार्म। मैंने तुम लोगों को बोला था ना हम लोग एक फार्म भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बाय चांस किसी दिन सोचो किसी ने न्यूक गिरा दिया इस वाले वर्ल्ड में, तो मैं कहाँ जाऊँगा, बाहर तो रेडिएशन हो रही है। अब बाहर तो हम जा ही नहीं सकते भाई, अगर बाहर गया तो एक एक्स्ट्रा टांग निकल जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रहेंगे नीचे, तो हम लोगों को हर एक चीज़ चाहिए होगी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हाँ ये परफेक्ट सेंटर है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें फटाफट से चार टाइप के मैं सीड्स लेके आया हूँ। मेरे पास बीट रूट पड़ा हुआ है, पोटैटो पड़ा हुआ है, कैरेट पड़ा हुआ है और वीट पड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे टाइप के इसमें फटाफट से उगा देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फटाफट से सीड लगाएंगे। मेरे को 2 सेकंड दो, उसके बाद हमारा बिल्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए जितना मेरे पास आइडियाज थे मैंने सब कुछ बना दिया है, अब बाकी का तुम्हारे हाथ में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तुम लोगों के कमेंट के हिसाब से मैं बनाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली गेमर प्लेट की लाइव स्ट्रीम में बनाऊंगा अगली वाली, वो तो देखते जैसे भी रहेगा, बट अभी के लिए मेरे को 2 सेकंड दो, मैं फटाफट से इसको पूरा का पूरा बना के मिलता हूँ तुमको से 2 मिनट के अंदर। जैसे मैं पिछले वाले में मिलने लगे ना मेरे को ये पूरा बनाने में 2 मिनट, वैसे 2 मिनट में मिलता हूँ। तो गाइज यार फाइनली पूरा का पूरा काम हो चुका है, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरा बिल्ड कंप्लीट है, वो वाला काम मैंने कर दिया है। अब लेट्स सी अगर ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तुम लोग भी बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। लेट्स गो बॉयज, ये पेंटिंगों के बाद इधर से पीछे को मुड़ते हैं, 1, 2, 3 लेट्स गो। ये गाइस तो अपना बिल्ड जो है वीकली देखो, मैं पता है अगर ऊपर वाला पूरा का पूरा ढक भी दूंगा ना तो भी ये लाइक मेरे को नहीं लगता कि बुरा दिखेगा, सही बताऊं तो ऊपर क्योंकि कुछ है भी नहीं, तो मैं चाहूं तो इसको पूरा ढक सकता हूं और ये नीचे नीचे वाला ही एरिया लाइक अपना एरिया बन जाएगा कि हाँ इतने एरिया में लाइक अपने पास सामान वामान है। देखो यहाँ पर हम आराम से जाके अपना ब्रूइंग कर सकते हैं, यहाँ सारा सामान संभाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना लाइक ऊपर आने जाने का है, यहाँ पर हम लोग आराम, ये होगा क्या नहीं होगा ना, ये रोड दिया उसने तो ये हो गया। उसके बाद फिर अपना ये है फेयरनेस वाला एरिया, फिर ये सब तो है ही, उसके साथ साथ हम लोगों का यहाँ पे सोने वोने का भी है। तो अपने पास सारा का सारा सामान जो है वो ताम झाम पूरा का पूरा यहाँ पर अब कंप्लीट है गाइस। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अगर बाई चांस हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी तो हम लोग यहाँ पर आराम से अपने दिन काट सकते हैं, वो तो हम लोग जाएंगे ही, बट अपना अंडरग्राउंड बेस देख रहे हो कितना कूल लग रहा है। अगर ऊपर वाले एरिया को नहीं देखोगे ना तो इतने एरिया में देख रहे हो तुम लोग कितना ज्यादा कूल लग रहा है। ऊपर वाले एरिया में तुम आइडियाज दो मेरे को, मैं भरूंगा, मैं काम करूंगा, तुम टेंशन मत लो उस चीज की, वो हम लोग पूरा का पूरा देख लेंगे अपने में। लेकिन हाँ मेरे को आइडियाज जरूर देना बस कि क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो चीज का। बट अभी के लिए तो ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा है भाई, जितना मैंने देखा ना ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। लाइक ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड्स में आ गया है कि जो जो चीज़ें मैंने बनाई है ना उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों में ये वन ऑफ देम हो गया है। देखो इसमें ऑलरेडी देख लो कितना ज़्यादा आ चुका है, तो ये छोटा सा है ठीक है, अपने पास तो बहुत बड़ा पड़ा है बाहर जो स्टैक के स्टैक निकालता है, बट स्टिल ये एटलीस्ट फंक्शनल है। मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना तुम लोगों को सारी काम की है, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी फालतू वालतू जैसा। तो तुम लोग बताना अगर तुम लोग भी इसको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में या फिर किसी भी वर्ल्ड में बनाना चाहोगे, क्या तुम लोगों को मजा आया इसको देख के। गाइस यार ये था आज का बिल्ड, आई होप आप लोगों को मजा आया, क्योंकि मेरे को ना कुछ बनाना था अपने लिए एक बेस जैसा, एक कूल सी जगह जहां पर मैं सोने नहीं जाऊं भाई, वहां पे बहुत सारी और भी चीजें हो, दिखने का भी बहुत ज्यादा मजेदार हो। तो भाई अपने पास एक नया बेस आ चुका है जो कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है, एक सीक्रेट, बाहर से एग्जिट और एंट्री वाला हटाना पड़ेगा और थोड़ा छुपाना पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट सीक्रेट है ठीक है ना। तो मेरे को बताना अगर तुम लोग भी इसको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर बनाओगे तुम्हें कितना ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट रहेगा गाइस कि मैं ऊपर क्या क्या और चीजें बना सकता हूँ, हमारे पास 11 खाली जगह है तो हम लोग और क्या क्या बना सकते हैं वो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी जिसने भी लाइक नहीं करा गाइस प्लीज लाइक वाला बटन दबा दो, जो भी नया जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा यार, तभी तो भाई आगे बढ़ पाएगा तुम्हारा। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।